ओम्ञानमिदण्डस्य ज्ञानञ्जनाच्छलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमः विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्यदेशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासिति गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। My great honor and pleasure to be with all of you tonight. सबसे पहले जानना चाहूंगा किस तरह की भूमिका आप इस फिल्म में निभा रहे हैं। जैसा कि आपको ये पोस्टर्स में ब्रांडिंग लेना है, इधर से लेना है। हाँ, जैसा कि आप सब लोगों के सामने पोस्टर है, चंद्रशेखर आजाद की भूमिका मैं निभा रहा हूँ और इस फिल्म में करीब 5 या 6 सीन है मेरे, और आपको देखकर लगेगा कि उस पर उतनी मेहनत की गई है कि सिर्फ सीन्स के हिसाब से नहीं, उस कैरेक्टर के हिसाब से मेहनत की गई है। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे कैरेक्टर थे देश के लिए, बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर उनका रहा होगा, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपने डाउट किया हो अपने कैरेक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, जब मेरे राइटर ने मुझे बताया कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद करना है तो सबसे पहले तो मेरी लास्ट फिल्म ये स्टूपिड प्यार 2011 में रिलीज़ हुई थी, मैं बिल्कुल क्लीन शेव था, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, और एकदम से मुझे चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका निभानी है, मुझे अपना वज़न बढ़ाना था, मूछें बढ़ानी थी। और जब मुझे मालूम चला कि इनकी मौत, पहले हमने पढ़ा था किताबों में कि एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई थी, तो मुझे लगा कि पढ़ने के बाद मुझे वहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और ये सीन हमने शूट जो है उनके कुछ सीन हमने एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में जाकर किया। डायलॉग फिल्म का ऐसा जो आपको छू गया हो, दिल को छू गया हो, कोई सुनाना चाहेंगे आपको? हाँ, डायलॉग ऐसा है जब भगत सिंह मेरे पास, मैं बहुत उदास बैठा होता हूँ और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं कि चंद्रशेखर जी आप तो बहुत बहादुर हैं तो इतने उदास क्यों हैं? तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि भगत सिंह मुझे मेरा सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है और हमारा संगठन जो है छिन्न भिन्न हो गया है, क्योंकि अंग्रेज़ों का बहुत जुल्म हुआ करता था उस टाइम पर, और बहुत ढूंढ ढूंढ के मारा करते थे जितने भी हम जैसे गुट के लोग होते थे, और इस तरह की डायलॉग है उसमें। लीक से हटकर कैरेक्टर करना एक आसान चैलेंजिंग होता है, तो कितना लीक से हटके आप काम कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरी लास्ट फिल्म जो ये स्टूपिड प्यार थी वो बिल्कुल रोमांटिक हीरो और क्लीन शेव एक चॉकलेटी बॉय था उसमें, और मुझे एकदम चंद्रशेखर आज़ाद बनना है, तो अपने आप में एक चैलेंजिंग रोल तो था ही, और उस पर मैंने उतना ही काम किया जितना हिंदी सुधारने का, मेरा वज़न, मैं दिखना चाहिए वैसे चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर और बहुत ज़्यादा तगड़े इंसान थे। ओम पुरी, प्रेम चोपड़ा, इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, बिल्कुल कितना प्रेशर था आपके? बट ऑब्वियस, जैसे कि देखा आज आपने, आज भी प्रेम चोपड़ा जी आए, जब इस फिल्म की ओपनिंग हुई थी तब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया था, और आज भी उन्होंने बहुत साथ दिया है, ओम पुरी जी ने बहुत साथ दिया हमारा, और बट ऑब्वियस उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है, और उनके साथ काम करके अपने आप में एक जज्बा आ जाता है। जब स्क्रिप्ट आपके पास आई तो कैसा लगा आपको? जब स्क्रिप्ट सामने आई थी तो शॉकिंग तो था ही कि मुझे चंद्रशेखर आज़ाद बनना है, सनी डॉल ने किया हुआ है और अब मुझे करना है, तो अकॉर्डिंगली वैसे तैयारी मैंने की उनकी एक किताब पढ़कर, जो जो मैक्सिमम मैं कर पाया आपको ज़रूर दिखेगा फिल्म में। कांग्रेचुलेशंस आपको, बेस्ट ऑफ।
दिल से कहूंगी। पहले तो मैं बहुत ही मैं क्या कहूँ आज मैंने सोचा मैं यहाँ पर आऊंगी इस्कॉन में। यहाँ पर हमारा छोटा सा एक स्टॉल लगा हुआ है रेडिएशन के बारे में, सेल फोन यूज के बारे में। मैं उसको देखूंगी, यहाँ पर थोड़े दर्शन करूंगी, एक चक्कर थोड़ा लगा लूंगी एग्जीबिशन का, चली जाऊंगी। मैं जीन्स पहन के आने वाली थी, थैंक गॉड मैंने थोड़ा सा ड्रेसअप होकर थोड़ा डिसेंट होकर आई हूँ, क्योंकि मुझे क्या पता था
कि यहाँ पर इतना खूबसूरत वातावरण होगा, इतने सारे लोग मिलेंगे, और मेरे सौभाग्य से हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी जी मिलेंगे मुझे, चैतन्य दास प्रभु जी जिन्होंने मुझे पिछले साल भी यहाँ पर बुलाया था, वो भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, थैंक गॉड। और मैं इस बात की भी आभारी हूँ कि पिछले साल भी यहाँ आई थी, इस साल भी आई हूँ, हर बार बहुत कुछ सुनने, देखने और सीखने को मिला है। आज हिज होलीनेस की शब्द सुनकर मैं तो खुशी से समा नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपकी बातें सुनकर, और बहुत गर्व हुआ अपने देश पर, बहुत गर्व महसूस किया जब मैंने हमारा ये राजस्थानी फोक डांस देखा। मैं वहाँ बैठे बैठे यही सोच रही थी कितने खूबसूरत हैं हमारी कॉस्ट्यूम्स, देखो तो इनके रंग, कितनी नज़ाकत है हमारे नृत्य में, ऐसा लगता है गुड़िया नाच रही है कि नहीं? वो संगीत सुनिए, जो बीट है, जो रिदम है, कितनी सुंदरता भरी हुई है हमारे में। फिर कल्यारी पयट्टू, इसके बारे में हमेशा मैंने सुना था, ये नाम मैंने सुना हुआ है क्योंकि मैं साउथ में भी कभी कभी गई हूँ, मुझे नहीं पता था दिस इज द ओरिजिनल मार्शल आर्ट फॉर्म। मतलब हमारे भारत में कितनी नॉलेज, कितना धन, कितनी गहराई है हम सब में, हम कहाँ से, हम किस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर जब राधानाथ स्वामी जी के लफ्ज़ सुने और जो इन्होंने समझाया किस तरह गुरु जी वहाँ पर गए इंग्लैंड में, और जो उन्होंने कहा, और आप यहाँ पे आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के पर्टिकुलर इवेंट के बारे में? इवेंट के बारे में बोलूँ, यहाँ का फ्री मुंबई के बारे में बोलूँ? एक्चुअली मुझसे ज़्यादा तो आई थिंक हम इनसे पूछें, नो द आइडिया बिहाइंड दिस होल एग्जीबिशन, आपने क्या सोचा और कहाँ कहाँ से कलाकार यहाँ पर आए हैं अपने अपनी अपने आर्ट को लेकर, अपने क्राफ्ट्स को लेकर, प्लीज़ आइए ना, मैं आपके बिल्कुल साथ खड़ी हूँ, तो आप प्लीज़ ऐसे कवर करिए। जब हमने इंडिया रिंग सोचा तो हमने सोचा कि कॉरपोरेट्स नहीं, इंडस्ट्रीज़ नहीं, गांव, जवान, किसान, कलाकार, ये हमारे देश की धरोहर के जो मेन जो ट्रेजर है हमारे, इनको आगे लेके आए तो आम इंडियन आगे उड़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। सो दैट्स द होल पॉइंट, देयरफॉर वी ब्रॉट द अंडर प्रिविलेज। सो वी हैड ऑन द 15 January आर्मी डे, वी हैड द जवान्स बीइंग फेलिसिटेटेड, एंड जनरल जी डी बख्शी गिवन अराउजिंग स्पीच। वी मिस समथिंग यस्टरडे, इट्स अमेजिंग स्पीच, एंड ही इंस्पायर्ड दैट यू लेट यंगस्टर्स लर्न फोर वैल्यूज, कंट्री, करेज, कंपैशन एंड ट्रूथ। And then we had honor of the farmers. Organic farmers have come from more than 8 farmer groups here, and they're making their produce, organic produce, available to everyone. Healthy consumer choices by empowering the farmer and helping ourselves. And today is the day dedicated to Kalale, only for the artisans. We have dedicated this to Brand India. Then let this be the brand of India. Let this be the face of India, not just IT. But even arts, handicrafts, culture, dances, music, even they also are worthy of being put forward. So that's how we have done. And Hunger Free Mumbai campaign is what Juhi ji will speak more about it. So Hunger Free Mumbai, well, ये इनका नया initiative है। वैसे मैं बताऊँ, इन्होंने अभी मुझे बताया कि 12 लाख बच्चों को हर रोज अन्न अमृता, ये इस किचन से, इस कॉन किचन से 20 जगह भारत में हर रोज़ खाना मिलता है, और हमें तो ये पता भी नहीं था, कितनी बड़ी बात है। तो अब इनका